Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the fuels and combustion. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्यूल्स के बारे में, उसके बाद देखेंगे कि combustion क्या होता है. फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स आर द materials दैट कैरीज एनर्जी इन केमिकल फॉर्म. दैट कैरीज एनर्जी इन केमिकल फॉर्म मतलब फ्यूल्स वो मटेरियल होते हैं जिनके पास एनर्जी होती है केमिकल फॉर्म में. ठीक है. द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन द फ्यूल इज रिएक्टेड. फ्यूल इज रिएक्टेड या फिर उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. तो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब एक कोई फ्यूल रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी है केमिकल फॉर्म में फ्यूल के पास वो रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो हीट एनर्जी कह सकते हैं उसको या फिर थर्मल एनर्जी कह सकते हैं. थर्मल एनर्जी. तो बेसिकली फ्यूल्स क्या है? फ्यूल्स के पास केमिकल एनर्जी है. फ्यूल्स के पास केमिकल एनर्जी है और ये केमिकल एनर्जी एक फ्यूल को केमिकल रिएक्शंस अगर हम उस फ्यूल की कराते हैं तो उसको उसके थ्रू ये जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी. ठीक है. ईच फ्यूल अंडरगोस डिफरेंट रिएक्शंस विद डिफरेंट रेट्स. अलग अलग जो फ्यूल्स हैं उनकी हीट रिलीज करने की रिएक्शन सबकी अलग अलग हैं और सारी जो रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट रेट से होती हैं. रेट का मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम. तो सबका जो रेट है वो अलग अलग. जैसे हीट रिलीज कोई जो फ्यूल है हो सकता है कि वो 50 किलो जूल पर सेकंड के हिसाब से हीट रिलीज कर सकता है, तो कोई जो दूसरा फ्यूल है हो सकता है कि वो 100 किलो जूल पर सेकंड के हिसाब से हीट को रिलीज कर सकता है और उनकी जो रिएक्शंस हैं वो भी डिफरेंट होंगी. कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, कोई एयर के साथ रिएक्शन करेगा, कुछ कोई कुछ कंपाउंड बनाएगा, कोई कुछ कंपाउंड बनाएगा. तो इस हिसाब से हर एक फ्यूल की जो रिएक्शंस हैं वो भी डिफरेंट होती हैं और उन रिएक्शंस का जो रेट है या फिर जो हीट रिलीज करने का रेट है वो भी सबका डिफरेंट होता है. ठीक है. फ्यूल्स हैव मच हायर एनर्जी डेंसिटीज देन अदर वेज ऑफ कैरिंग एनर्जी. फ्यूल्स हैव मच हायर एनर्जी डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कि कम मास में जो फ्यूल्स हैं वो ज्यादा एनर्जी रखते हैं. हायर एनर्जी डेंसिटी देन अदर वेज ऑफ कैरिंग एनर्जी. कैरिंग मतलब ट्रांसपोर्ट. अब देखो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एनर्जी को अगर हम बात करें कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है, मान लीजिए कि थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो थर्मल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? हीट की फॉर्म में. कि हमारे पास थर्मल एनर्जी अवेलेबल है दिल्ली में और हमें उसे गुड़गांव लेके जाना है थर्मल एनर्जी. तो आप सोचिए कि उस थर्मल एनर्जी को किसी भी वर्किंग फ्लूइड आइदर एयर या किसी भी मीडियम से हम एक पाइपलाइन के थ्रू दिल्ली से गुड़गांव ट्रांसफर करें और कितना भी उस पाइपलाइन को हम इंसुलेट कर लें, बट फिर भी उसमें जो लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे. मतलब अगर यहाँ पे एनर्जी 100 किलो जूल है तो वहां पहुंचते पहुंचते पता नहीं 20 पहुंचेगी कि 30 पहुंचेगी. और आप ये समझिए कि यहाँ से थर्मल एनर्जी को दिल्ली से गुड़गांव तक सिर्फ लेके जाने के लिए ही आपको पूरी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी. ठीक है. उसको उस पे एक बहुत ज्यादा जो इफेक्टिव इंसुलेशन उस पे लगानी पड़ेगी ताकि जो हीट है वो रिलीज ना हो. अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की भी बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी आइदर इन रेसिप्रोकेटिंग मोशन या रोटरी मोशन में अगर हमारे पास दिल्ली में है तो उसे गुड़गांव या नोएडा ले जाने के लिए ऑलमोस्ट आप सोचिए कि वो इम्पॉसिबल ही है. इतनी लंबी ना तो आप कोई शाफ्ट बना सकते हैं ना कोई और मीडियम से मैकेनिकल एनर्जी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कर सकते हैं, बेशक वायर्स के थ्रू इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो फ्यूल्स हैं उसको आप इजीली. फ्यूल के पास क्या है? केमिकल एनर्जी. अब यहाँ पे दिल्ली में आप फ्यूल को जला के उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करो और उस थर्मल एनर्जी को आप गुड़गांव लेके जाओ, तो उससे बेटर है कि आप फ्यूल को जो कि जिसके पास केमिकल एनर्जी उसको आप गुड़गांव ले जाओ और वहां पे उसको उससे केमिकल रिएक्शन के थ्रू थर्मल एनर्जी को रिमूव कर दो. ठीक है. इसीलिए बोलते हैं कि जो फ्यूल्स हैं वो सब अगर हमें एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने की बात करते हैं
तो फ्यूल्स जो हैं वो सबसे अच्छे हमारे पास ऑप्शंस हैं जो एनर्जी को कैरी करके हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ फ्यूल्स आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितने भी फ्यूल्स हैं उनके जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं वो कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इसके अलावा सल्फर भी होता है, सल्फर भी ऐसे फ्यूल की तरह हम यूज कर सकते हैं। सल्फर को भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी, हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी उससे रिलीज कर सकते हैं, लेकिन सल्फर जो है वो डिजायरेबल नहीं है, सल्फर जो है वो डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। उसको हम यूज करना चाहते नहीं है, ठीक है, बट कर सकते हैं, वो भी एज ए फ्यूल है। तो इसलिए सल्फर को हम करना नहीं चाहते, उसको हम रिमूव करके हटा देते हैं अगर वो होता भी है तब भी। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि सल्फर जो है वो एटमोस्फेयर में जाके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, H2SO4। तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से सल्फर जो है वो एक अनडिजायरेबल फ्यूल है, उसको हम यूज नहीं करते हैं। तो सल्फर को हटा देते हैं अगर वो होता भी। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में जब आईसी इंजिनियर्स पढ़ेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये दो बेसिकली मेन एलिमेंट्स होते हैं फ्यूल्स के। तो अगर कार्बन है सिर्फ और उसके साथ में हाइड्रोजन भी है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन जो मिला के बनाते हैं फ्यूल या जो अवेलेबल है नेचर में उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सिर्फ कार्बन, अकेला कार्बन जैसे अगर है तो कोल की हम बात कर सकते हैं, कार्बन कोल या ग्रेफाइट, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर कार्बन और हाइड्रोजन का कोई मिक्सचर हो सकता है, जैसे मेथेन गैस है, CH4 है, ठीक है, एसिटिलीन गैस है, C2H2 है। तो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है और ये फ्यूल है जो केमिकल रिएक्शन करने पे थर्मल एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास एनर्जी होती है केमिकल फॉर्म में और किसी केमिकल रिएक्शन में वो एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में वो थर्मल एनर्जी को रिलीज करते हैं, मतलब इस तरह से आपको थर्मल एनर्जी किसी भी फ्यूल को केमिकल रिएक्शन करा के मिल सकती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फ्यूल्स। तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें फ्यूल्स का, तो फ्यूल जो है वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई किए जा सकते हैं या फिर बेस्ड ऑन अकरेंस कि किस फॉर्म में वो अकर करते हैं, नेचर में कैसे अवेलेबल है। तो इन दो बेसिस पे हम फ्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट में हमारे पास सॉलिड फ्यूल अवेलेबल है। सॉलिड फ्यूल में जैसे कोल है या फिर वुड है, ठीक है, लकड़ी, वो भी तो एक तरह का फ्यूल है, उसी को उसी से भी तो हम थर्मल एनर्जी रिलीज कर सकते हैं उसको जला के। तो सॉलिड फ्यूल जो है वो वुड है, कोल है। लिक्विड फ्यूल की अगर हम बात करें तो क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये जो है लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम सॉलिड में वुड और कोल है, लिक्विड में क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस है, और गैस फॉर्म में नेचुरल गैसोलीन, यानी कि गैसोलीन होता है पेट्रोल। तो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसोलीन है, और गैस फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस जो है वो मेथेन को ही बोलते हैं, काफी हद तक जो है दोनों सिमिलर होते हैं, CH4 मेथेन, इसको नेचुरल गैस बोलते हैं। तो गैसियस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है जैसे कि नेचुरल गैस हो गई, लिक्विड फॉर्म में क्रूड ऑयल की फॉर्म में है, और सॉलिड की फॉर्म में कोल की फॉर्म में हमारे पास जो फ्यूल्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। नाउ बेस्ड ऑन द अकरेंस कि वो किस तरह से अकर करते हैं नेचर, तो प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स हैं। प्राइमरी मतलब जो एज इट इज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि वुड है या फिर कोल है या फिर हमारे पास पेट्रोलियम है जो कि नेचर में एज इट इज अवेलेबल है। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी और प्रिपेयर्ड, जिनको हम प्राइमरी फ्यूल से प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि कोल से प्रिपेयर करके बनाते हैं चारकोल जो सड़क बनाने में यूज होता है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल ये बनाते हैं हम पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से, पेट्रोल डीजल बनाते हैं पेट्रोलियम से। हमारे पास नेचर में जो अवेलेबल है वो तो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, और उसको रिफाइन करके हम बना लेते हैं, उससे पेट्रोल बना लेते हैं, डीजल बना लेते हैं, ठीक
ठीक है, कैरोसिन बना लेते हैं, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी और प्रिपेयर्ड, जो कि प्राइमरी फ्यूल से प्रिपेयर होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी, और जो नेचर में एज इट इज अवेलेबल है उनको बोलते हैं प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल बेस्ड ऑन द अकरेंस, कि वो नेचर में किस तरह से अकर करते हैं, नेचुरली अवेलेबल है या फिर प्रिपेयर किए गए हैं. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड बेस्ड ऑन द अकरेंस, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल्स. उसके बाद आते हैं कैलोरीफिक और हीटिंग वैल्यूज ऑफ द फ्यूल. ये क्या है, इसको ध्यान समझने की जरूरत है. कैलोरीफिक और हीटिंग वैल्यूज ऑफ द फ्यूल, ये क्या होती है. कैलोरीफिक वैल्यू और हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज द टोटल एनर्जी लिबरेटेड व्हेन ए यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली. यहां पे ये जो वर्ड है ना कंप्लीटली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेशन क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू या हीटिंग वैल्यू जिसको हम बोल रहे हैं, वो फ्यूल की एक प्रॉपर्टी है. और क्या है ये प्रॉपर्टी, कि उस फ्यूल का अगर हम यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम, अब यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम क्यों दोनों ये टर्म यूज हुई है, अगर जो फ्यूल है वो सॉलिड है या लिक्विड है तो यूनिट मास की फॉर्म में इसको जो है वो शो करते हैं. और अगर गैसियस फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, सपोज नेचुरल गैस या कोई और तरह का फ्यूल जो गैस फॉर्म में है, तो फिर वॉल्यूम के टर्म में उसको हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को. इसलिए यहाँ पे दोनों टर्म यूज की गई है, यूनिट मास और या फिर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर कोई गैसियस फ्यूल है तो 1 मीटर क्यूब फ्यूल ले सकते हैं, और अगर कोई सॉलिड या लिक्विड फ्यूल है तो 1 kg मास ले सकते हैं. तो 1 unit mass या 1 unit volume फ्यूल को, फ्यूल की अगर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो, या फिर हम उस फ्यूल को जलाते हैं पूरे का पूरा, कंप्लीटली पूरा जलाने पे जो टोटल हीट उस फ्यूल से रिलीज होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू और हीटिंग वैल्यू. इसका मतलब कि अगर हम 1 kg फ्यूल की बात करें, ठीक है, तो 1 kg फ्यूल से जितनी टोटल हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज अ कैलोरीफिक वैल्यू और हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल. तो ये प्रॉपर्टी होगी ऑब्वियसली, कि आप 1 kilo अगर पेट्रोल की बात करें तो 1 kg पेट्रोल को आप अगर जलाएंगे तो इतनी हीट उससे रिमूव होगी. तो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल, क्योंकि हमेशा उतनी होगी. ऐसा तो नहीं है कि भाई आप जो है उसको दिल्ली में जलाएंगे तो अलग मिलेगी और गुड़गांव में जलाएंगे तो अलग मिलेगी, सुबह जलाएंगे तो अलग मिलेगी, शाम को जलाएंगे तो अलग मिलेगी, है ना. तो इससे क्या है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है. आप उसको किसी भी कंडीशन में 1 kilo जब भी आप पेट्रोल जलाएंगे इतनी हीट आपको मिलेगी ही मिलेगी, हमेशा पूरा कंप्लीटली जब आप उसको जला लेंगे. तो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल जिसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, और कैपिटल सी और कैपिटल वी से इसको डिनोट करते हैं. कैलोरीफिक वैल्यू, कैपिटल सी और कैपिटल वी, एक होता है कैपिटल सी और स्मॉल वी सफिक्स सीवी, ये होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी. इसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे, बात चल रही है कैलोरीफिक वैल्यू, कैपिटल सी कैपिटल वी, दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. तो गैसियस फ्यूल की जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी की यूनिट हम लेते हैं जनरली किलो जूल में, या फिर अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर उसको ले लेंगे मेगा जूल में. ठीक है, किलो जूल या मेगा जूल में. और कितने मास से मिली है जो हीट, किलो जूल में हमें मिल रही है टोटल एनर्जी ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है, आइदर किलो जूल इन मेगा जूल, या तो अगर सॉलिड या लिक्विड है तो 1 kg मास को जला के मिली, तो यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल या मेगा जूल पर kg. ठीक है, पर अगर गैसियस फ्यूल की बात कर रहे हैं तो 1 m³ फ्यूल को हमने जलाया और उससे जो एनर्जी रिलीज हुई जितने किलो जूल या मेगा जूल, वो हो जाएगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. तो गैसियस फ्यूल के लिए हो जाएगी किलो जूल या मेगा जूल पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो ये हो जाएगी मीटर क्यूब में. गैसियस फ्यूल के लिए किलो जूल या मेगा जूल पर मीटर क्यूब, सॉलिड और लिक्विड के लिए किलो जूल या मेगा जूल पर kg. ठीक है, इफ द फ्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन वाटर विल बी, इफ द फ्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन वाटर विल बी फॉर्म्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन. ऑब्वियसली हाइड्रोजन की जब कंबस्शन होता है, हाइड्रोजन को जब जलाते हैं या ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होती है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में क्या बनता है, H2O बनता है. H2O is water.
हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, इसलिए जो हीट को एब्जॉर्ब करके वो वाटर के फॉर्म में निकलता है, वेपर की फॉर्म। तो बेसिकली क्या मिलती है हमें, स्टीम मिलती है, H2O मिलेगा। केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है तीनों स्टेट में, H2O ही रहेगा, लेकिन वो H2O जो है वो अपने गैसियस फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म। तो H2O जो है वो स्टीम के फॉर्म में मिलेगा। इफ दिस वॉटर इज कंडेंस्ड, ठीक है, अब ये देखो कि हमने इसकी बात क्यों की है, कि अगर फ्यूल में हाइड्रोजन है तो वो जो है H2O बनाएगा। इफ दिस वॉटर इज कंडेंस्ड, कंडेंस की बात करने का क्या मतलब है, क्योंकि जो वॉटर हमें मिला H2O हमें मिला हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने से, वो स्टीम की फॉर्म में मिला, यानी कि गैसियस फॉर्म में मिला, वेपर की फॉर्म में। तो जब हम उसको कंडेंस कराएंगे, यानी कि उसको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन देखो हुआ क्या। एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि हम जैसे किसी फ्यूल का कम्बशन करा रहे, तो उस फ्यूल को या फिर उस फ्यूल को हमने जलाया कंप्लीटली, 1 kg फ्यूल, कोल सपोज ले लीजिए, तो 1 kg कोल को हमने अगर जलाया कंप्लीटली, तो उससे जितनी हीट रिलीज हुई वो हो जाएगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन अगर उस फ्यूल में हाइड्रोजन भी होगा, तो वो हाइड्रोजन जो है वो जब जलेगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होगी, तो वो H2O बना लेगा। अब जो हीट रिलीज हो रही है, वो हीट में से H2O जो बनेगा वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और स्टीम बन जाएगा। तो जितनी हीट उसने स्टीम में स्टीम बनने के लिए एब्जॉर्ब कर ली, उसका तो हमें पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो गया, जो वॉटर था वो कन्वर्ट हो गया स्टीम में। तो अब हमें अगर सपोज के 2000 किलो जूल हीट मिल रही थी, उस 2000 में से 200 किलो जूल जो है वो H2O ने एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट कर ली, तो हमें कितनी मिली, 1800, जबकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 2000, लेकिन हमें हीट मिली 1800। तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि 1800 है कि 2000 है। इसलिए हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है ना, वो एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता है कैलोरीफिक वैल्यू में, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है, और वो वाटर हीट, थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब क्या करेंगे हम, इफ दिस वाटर या फिर जो स्टीम है उसको कंडेंस कर लेंगे, तो अगर वो वाटर लिक्विड से 200 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हुआ था, तो जब हम उसको कंडेंस करेंगे वेपर से लिक्विड में, तो 200 किलो जूल हीट रिलीज भी तो करेगा, तो 1800 तो हमें वहां से मिल गई थी, और 200 ये, तो हमारी क्या हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। तो ये जब हम इसको कंडेंस करेंगे, तो जो 200 किलो जूल हीट इसने एब्जॉर्ब की थी वो रिलीज कर देगा, ठीक है, वो ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो अब क्या है देखो, अगर वो हीट इसने रिलीज कर दी, तो 1800 तो हमें मिली गई थी, और 200 हम इसको भी ऐड कर लेंगे, हो जाएगी 2000। लेकिन अगर हम इसको कंडेंस नहीं कर पाए, तो हमें मिलेगी सिर्फ 1800, यानी कि हमें दो वैल्यू मिलने के चांसेस हैं, दो वैल्यू मिलने की उम्मीद है किसी भी फ्यूल को, अगर हम उसका 1 unit मास जो है वो जलाते हैं, तो आइदर हमें 2000 भी मिल सकती है और 1800 भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर फ्यूल में हाइड्रोजन थी और उस हाइड्रोजन से जो स्टीम बनी उसको हम कंडेंस कर पाए कि नहीं कर पाए, रिकवर कर पाए कि नहीं कर पाए, और अगर हाइड्रोजन नहीं थी तो फिर एक ही मिलेगी। इसीलिए हर एक फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो दो होती है। अगर हम उस फ्यूल में हाइड्रोजन है और उससे जो स्टीम बनी उसको हमने कंडेंस कर लिया, तो 1800 + 200 = 2000 मिली, इसको बोलेंगे हायर कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, हायर कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, और हीटिंग वैल्यू भी बोलते हैं ना इसको, तो हायर हीटिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसलिए HHC और हायर कैलोरीफिक वैल्यू HCV, ठीक है, HCV हायर कैलोरीफिक वैल्यू। और अगर उसको कंडेंस नहीं कर पाए स्टीम को, वो अपने साथ लेके चला गया, हमें मिली 1800, तो इसको बोलेंगे लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, इसको बोलेंगे लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू या हीटिंग वैल्यू। तो लोअर हीटिंग वैल्यू LHV और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू LCV। तो जनरली जो है ये दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं, LCV और HCV, हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए
हम जो है लोअर कैलोरिफिक वैल्यू को हमेशा यूज करते हैं। ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो वाटर ने हीट एब्जॉर्ब कर ली उसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम हमेशा लोअर कैलोरिफिक वैल्यू को यूज करते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में गिवन है कि हमने ये फ्यूल यूज किया और इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है, वो सिर्फ लिखेगा कैलोरिफिक वैल्यू कि इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो इतनी है, इतना मास हमने यूज किया, इतनी इसकी कैलोरिफिक वैल्यू, तो वो कैलोरिफिक वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो हमेशा लोअर कैलोरिफिक वैल्यू होगी, हमेशा क्या होगी, लोअर कैलोरिफिक वैल्यू। ठीक है, अब सपोज के जो हाइड्रोजन से वाटर में कन्वर्ट हो गया वाटर, सपोज कि वो जो वाटर है वो 0.5 केजी है, 0.5 केजी जो है वो वाटर था, तो स्टीम बनने में ये कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज जो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा दैट इज एचएफजी, तो अगर हम इसको रिकवर कर पाएंगे तो इसका मास मल्टीप्लाइड बाय जितनी इसने हीट एब्जॉर्ब की थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हायर कैलोरिफिक वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर कैलोरिफिक वैल्यू क्या हो जाएगी, पी और वी का मतलब है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कितनी हो जाएगी, हायर कैलोरिफिक वैल्यू इज इक्वल टू लोअर कैलोरिफिक वैल्यू और प्लस जो हीट स्टीम ले गई, अगर उसको कंडेंस कर लिया तो लोअर कैलोरिफिक वैल्यू में एड कर दो हायर मिल जाएगी, नहीं कर पाए तो लोअर ही रह जाएगी। तो स्टीम कितनी हीट लेके गई वो कैसे पता लगेगा, जितना स्टीम का मास है मल्टीप्लाइड बाई एक केजी स्टीम, एक केजी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है, एचएफजी। ये क्या है, एचएफजी अगर आपको याद हो, एचएफजी इज द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि 1 केजी मास को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी दैट इज एचएफजी 1 केजी को। लेकिन अगर 1 केजी से ज्यादा है, 2 केजी है तो उसकी डबल की जरूरत पड़ेगी, 3 केजी है तो ट्रिपल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं, आधा है तो आधे की जरूरत पड़ेगी, 0.5 केजी है तो आधे की जरूरत पड़ेगी, तो जितना उसका मास है मल्टीप्लाइड बाई एचएफजी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगी एचसीवी। तो एचसीवी क्या हो जाएगी, हायर कैलोरिफिक वैल्यू इज इक्वल टू लोअर कैलोरिफिक वैल्यू प्लस एम एचएफजी। वैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी इसको लिख लेंगे, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंथैल्पी नहीं होती, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी होती है, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, एंथैल्पी होती है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिर्फ इतना ही चेंज आएगा कि एंथैल्पी की जगह इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। ये एचएफजी यानी कि एचजी माइनस एचएफ था, ये यूजी माइनस यूएफ है, तो एचजी माइनस एचएफ को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसलिए उसको एचएफजी लिख देते हैं क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन यूजी माइनस यूएफ को यूएफजी बोल तो देंगे, लिख तो लेंगे, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, इसलिए इसको अलग अलग लिखा हुआ है, यूजी माइनस यूएफ की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दिस इज द कैलोरिफिक और हीटिंग वैल्यू एंड दीज आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज, हायर कैलोरिफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरिफिक वैल्यू। हायर कैलोरिफिक वैल्यू, अगर हमने जो स्टीम प्रोड्यूस हुई उसको कंडेंस कर लिया तो हायर कैलोरिफिक वैल्यू मिलेगी, स्टीम को कंडेंस नहीं कर पाए तो लोअर कैलोरिफिक वैल्यू मिलेगी। दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल कैलोरिफिक वैल्यू।